स्वाजम गांव के ग्राम पंचायत की बात की जाए तो मुड़ापारा के आश्रित गांव मलपुरी में डायरिया फैल चुका है और अब तक 39 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 3 मरीजों की हालत नाजुक बताई जाती है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव के स्कूल में कैंप लगाया। मलपुरी में 3 दिनों से डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। लगभग 450 आबादी वाले गांव में 7-8 हैंडपंप हैं। नल में पर्याप्त पानी नहीं आने के चलते ग्रामीण हैंडपंप से ही पेयजल लेते हैं। जांच में गांव में गौरा गौरी चौक स्थित हैंडपंप के पानी में बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिसे सील करवा दिया गया है। घर घर जाकर आपको बता दें कि डिहाइड्रेशन के मरीजों की तलाश की जा रही है, क्लोरीन गोली वितरित की जा रही है। डायरिया का शिकायत हमारे ग्राम को मिला है और उसमें ग्रामवासियों ने सभी मिल करके स्वास्थ्य विभाग को इसका सूचना दिया गया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 6 दिनों से कैंप यहाँ पे लगाया गया है। तुरंत 19 तारीख से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के जितने भी केसेस आ रहे हैं, अगर निर्जलीकरण है उनका, डिहाइड्रेशन है उनको, यहाँ पे त्वरित उनका ड्रिप लगाकर उपचार किया जा रहा है और सभी लोगों को जो आवश्यकता अनुसार उनको दवाइयाँ दी जा रही है। सुधार मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा दिया गया है। 24 घंटे स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। कुछ जो ज्यादा जिनको डायरिया होता है उनको मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। 5 से 6 लोगों को यहाँ भर्ती कराकर उपचार किया गया, बाकी वहाँ पर छुटपुट डायरिया को लेकर उपचार किया गया। और भी जिले में और भी कहीं मामले सामने आए? मनकी ग्राम में शिकायत प्राप्त हुई थी, वहाँ डोर टू डोर करवाया, वहाँ स्थिति ठीक है। मनोज मिश्रेकर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या स्थिति है अभी गाँव में? जी, कैंप लगाने के बाद अभी स्थिति काफी सुधरी हुई है। मितानिन वगैरह सब घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने को बोरिंग का पानी पीना नहीं है, वो पानी उबाल कर पीना है। और कैसे उनको जैसे भी लोग मिल रहे हैं तो उनको तुरंत स्वास्थ्य विभाग का जो अमला स्कूल पर कैंप लगाया हुआ है वहाँ तुरंत उनको इलाज किया जा रहा है। और अति गंभीर की अभी कोई संभावना है नहीं, जितने भी गंभीर थे उनको मेडिकल कॉलेज में रिफर किया गया। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए।